मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होगा? यदि आप उसे आयनिक कंपाउंड सोच रहे हैं तो आपको अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना पड़ेगा, और कंसेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो आयनिक बिहेवियर शो करता है। मैं राजीव फ्रॉम myetutors केमिकल बॉन्डिंग के इस 10th एपिसोड में डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं। हेलो गाइस, मैं रोनी। सो क्या मैं केमिस्ट्री प्रूफ करने के लिए आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूं? यस रोनी, यू कैन ज्वाइन द क्लास। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं और उसमें किस तरह से डाइपोल क्रिएट होता है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि पोलर और नॉनपोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नॉनपोलर कंपाउंड्स देखते हैं। तो नॉनपोलर कंपाउंड्स हो जाएंगे कि जब कंपाउंड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली बॉन्ड के सेंटर में है और वो किसी भी एलिमेंट की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड पे कुछ भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जैसे अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि मतलब कि कितने एलिमेंट की टेंडेंसी है कि अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोवेलेंट कंपाउंड में। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है अपनी तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ये क्लोरीन भी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों की अट्रैक्शन जो है सेम है, इक्वल और ऑपोजिट है, इसीलिए क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, इसीलिए जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, कि उस पर कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पर जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसमें क्या होगा कि किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर हाइड्रोजन उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इस शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि इस बॉन्ड पे पोलैरिटी क्रिएट हो गई है कि एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम उसे कहेंगे डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोलैरिटीज। तो जब दो पोलैरिटीज क्रिएट हो जाएंगी अक्रॉस द कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम डाइपोल कहते हैं। सर, ये कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो। गुड क्वेश्चन रॉनी। तो अब हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से डाइपोल जो है मॉलिक्यूल्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि डाइपोल को किस तरह से रिजोल्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं H2O मॉलिक्यूल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी sp3 हो जाएगी और शेप जो हो जाएगी बेंट शेप हो जाएगी। तो अब क्या है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो दोनों तरफ से दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं और ऑक्सीजन पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये जो अपवर्ड एरो मैंने बनाया ये ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैं अभी मैग्नीट्यूड नहीं डिस्कस कर रहा हूं उसका। वैसे ही अब हम सेकंड देखते हैं कि BF3 मॉलिक्यूल है। अब BF3 मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 हो जाएगी। यहाँ बोरॉन और फ्लोरीन पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, और अब इसके कारण क्या हो रहा है कि तीन डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है एट 120 डिग्रीज, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसल ऑफ हो जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि बॉन्ड पे डाइपोल हो सकता है पर मॉलिक्यूल पे डाइपोल को रिजोल्व करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन से उसका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे कि कुछ रिजल्टेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यदि रिजल्टेंट डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है, पर यदि रिजल्टेंट डाइपोल नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। तो जैसे BF3 पे बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड पे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है, सो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पर इस पे बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड पे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है।
वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखें तो अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में भी क्या हो जाएगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप हो जाएगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है पर ओवरऑल डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही एक और एग्जांपल देखें SO2 का, तो SO2 मॉलिक्यूल जो है उसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन की थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो इस समय जो लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे मैं आप बात कर रहा हूं तो उसी तरह वो आप उनको लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो है ओवरऑल डाइपोल, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड हो जाएगा इसमें। तो अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि म्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। क्यू जो हो जाएगा चार्ज हो जाएगा जो कोवेलेंट बॉन्ड पे दो एलिमेंट्स के बीच में क्रिएट हुआ होगा, और डी जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू एलिमेंट्स, या उसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। और इसको जो यूनिट्स हैं वन डे बाय में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वन डे बाय होता है 1 × 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर्स। और जब हम इसको SI यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3.335 × 10⁻³⁰ कूलम्स मीटर। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, अब जैसे हमने देखा कि डाइपोल क्रिएट हो रहा है मॉलिक्यूल्स पे, तो आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। और उस आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो होता है, दिस इज म्यू ऑब्जर्व, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व ओवर चार्ज इनटू डी, और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं ओवर अ कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये कांसेप्ट को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो। गुड क्वेश्चन रॉनी। तो एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है HCl का, तो उसमें हमें ऑब्जर्व डाइपोल दिया हुआ है 1.03 डिबाई और बॉन्ड लेंथ दे रखी है 1.275 एंगस्ट्रॉम्स। तो अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का हम फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। अब इसको हम डाइपोल को बेसिकली उसमें से चार्ज एलिमिनेट आउट कर रहे हैं क्योंकि चार्ज से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कूलम मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने और जो बॉन्ड लेंथ थी उसको भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16.83% आ जाएगा। तो HCl मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें अराउंड 17% आयनिक कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए डायपोल और बॉन्ड लेंथ, बेसिकली ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तो उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स तभी होंगे जब देर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू एलिमेंट्स, और उस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण डाइपोल क्रिएट होगा। और डाइपोल मोमेंट हमेशा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस टिक करना है। और आपके आसपास या आपके कोई नोन सर्कल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हों तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर करें। और इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने उसमें कुछ बुक्स आपके लिए रिकमेंड करी हैं। आप मुझे इन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।